I welcome all the students of class 4 to the English grammar class. Students, today let's open the book on page number 11, chapter 2. We have already completed the compound nouns, this part. मैंने आपको एक list भी दी थी. आज हम exercise करेंगे. ये मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी book से मिल जाएगा ये सारे words. सॉरी लिस्ट से, जैसे ब्रेक प्लस फास्ट हो गया ब्रेकफास्ट, यहाँ लिखेंगे आप. फुट प्लस फुट फॉल, ठीक है, सॉरी बॉल. फुट प्लस बॉल हो गया फुटबॉल. रिब प्लस केज हो गया रिब केज. फ्लावर प्लस पॉट हो गया फ्लावर पॉट. रेन प्लस फॉल हो गया रेनफॉल. टर्न प्लस ओवर हो गया टर्न ओवर. यार्ड प्लस स्टिक हो गया यार्ड स्टिक. तो इन वर्ड्स को आप यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद है सेकेंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपाउंड नाउंस. हमें कंपाउंड नाउंस को जो ये दे रखे हैं इनसे फिल करना है. आई हैव टू वेट फॉर बस नंबर 125 एट द. हम मुझे बस नंबर 125 का वेट करना है. कहाँ पर वेट करना है? बस स्टॉप. तो आप इसको लिखेंगे. स्टूडेंट, जिसके बीच में स्पेस दिया है उसके बीच में आप स्पेस लिखेंगे, जिसके बीच में स्पेस नहीं है वहाँ आप स्पेस नहीं लिखेंगे. वी प्लेड डैश टुडे फॉर 2 आवर्स. हमने आज 2 घंटे क्या खेला? फुटबॉल. तो सेकंड में फुटबॉल आएगा. आई वेक अप डेली बिफोर द सनराइज. मैं रोज़ सूर्य उगने से पहले उठ जाता हूँ. तो सनराइज़ इधर आएगा. आई नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स इन अ वॉशिंग मशीन. मुझे पता है वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोते हैं. समीर वॉज राइटिंग ऑन द डैश. समीर कहाँ लिख रहा था? समीर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था. तो ब्लैक बोर्ड आएगा यहाँ पर. Complete the following sentences with compound nouns. Compound nouns को भरना है, ठीक है. I need a new keyboard and a mouse. मुझे एक नया keyboard और एक नया mouse चाहिए. You should play basketball. BA. चलो मैं आपको spellings, वैसे मैं आपको ये list दे चुकी हूँ already, पर आप तब भी देख लीजिए. You should play basketball. The tailor wants to buy a new dash machine. New sewing machine. सिलाई करने वाली मशीन. I don't know any dash about the accident. I don't know anything about the accident. We use a dash brush to clean our teeth. We use a toothbrush. Okay. Shall we buy a dash fish? Shall we buy a goldfish? Children are playing in the playground. Guests are sitting in the drawing room. या फिर guest room भी हम लिख सकते हैं, लेकिन drawing room भी ठीक है. Okay students, तो आप ये अपनी notebook में complete करेंगे, plus book में भी complete करेंगे. Okay, thank you.